हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। पिछली क्लास में हम लोगों ने नल और हॉट्स पर कुछ प्रैक्टिस सेट किए थे। आज उसी क्रम को आगे की ओर जारी रखते हैं और कुछ अलग टाइप के सवालों को लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिएगा आज की क्लास का पहला सवाल कह रहा है कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए दो पंप है। एक टंकी है, उस टंकी को भरने के लिए दो पाइप है। ठीक है, क्या है? दो पंप है। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे व दूसरा पंप खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है। मतलब एक टंकी है, उस टंकी को भरने के लिए दो पंप है, दोनों में से एक पंप जो है उसे 8 घंटे में भरता है, दूसरा कितने घंटे में भरता है? 10 घंटे में भरता है। ठीक, ठीक है। यदि दोनों टैंकों को अर्थात दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भरेगा? यानी कह रहा है कि दो पंप हैं जो एक टंकी को भर सकते हैं, तो पहला पंप जो है 8 घंटे में भरता है, दूसरा उसी टंकी को 10 घंटे में भरता है। कह रहा है यदि दोनों पंपों को 4 घंटे तक चलाया जाए, दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक क्या किया जाए, चलाया जाए, तो टंकी का कितना भाग पानी से भरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि अलग अलग टाइमिंग पर, यानी एक जो पंप है उसको 8 घंटे में भर रहा है, दूसरा कितने घंटे में भर रहा है? 10 घंटे में। पहले दोनों को हम अगर एक साथ खोलते हैं तो कितने घंटे में भरेंगे? देखिएगा, जब हम दोनों को एक साथ खोलेंगे तो यह हो जाएगा 1/8 + 1/10। इसके लिए हमने फार्मूला भी जनरेट किया है। बेसिक सा फंडा है अपना, एक ठो को मान लेंगे x और एक ठो को मान लेंगे क्या y, क्या मान लेंगे x और y, तो क्या हो जाएगा x प्लस y यानी 10 + 8 हो जाएगा, यानी 8 और 10 का लसा लेंगे कितना आएगा? 80। 80 में से 8 से क्या करेंगे, भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, 10 से 80 में भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा, कितना होगा 8। ठीक है, यानी नियम वही है। नियम क्या है? वही है ना, x प्लस y अपान x इंटू वाई। 10 + 8 = 18 = 80। तो 18 × 18 = 90, 1/5 या 18 × 36, 18 × 54, 18 × 72, 18 × 5 = 90। ठीक है, यानी 1/5 दोनों मिलकर इसे कितने घंटे में भर सकते हैं? 5 घंटे में पूरा पूरा क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। 5 घंटे में पूरा पूरा इसे भर सकते हैं। लेकिन कह क्या रहा है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रहा है इस हिसाब से, तो कुछ अलग ही डाटा आएगा भाई। 4 घंटे में भरना है, 5 घंटे में ये लोग भरेंगे? नहीं, लसा जो है इसका 80 ना आकर कितना आएगा, सॉरी 40 आएगा। 8 × 5 = 40, 10 × 40 = 40, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 9/40। दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भर रहे हैं? 9/40 भाग, अर्थात दोनों के द्वारा 1 घंटे में भरा गया। 1 घंटे में भरा गया, तो 1 घंटे में कितना भरा गया भाई, 9/40। ठीक है, और कितना घंटे तक चलाना है? 4 घंटे तक। कितना घंटे तक? 4 घंटे तक। तो 4 × 9/40 घटा दें, 4 × 9/40, 4 × 4 = 40, अर्थात 9/10 कितना आया, 9/10। हमसे कितना भाग पूछा है कि कितना भाग भरेगा, तो 9/10 भाग ही क्या होगा, भरेगा। कितने घंटे में? 4 घंटे में। कितना भाग भरेगा भाई, 9/10 भाग। देखिएगा सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि एक टंकी को पानी से भरने के लिए दो पंप है, पहला पंप उसे 8 घंटे में, दूसरा पंप उसे 10 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भरेगा, टंकी का कितना भाग पानी से क्या होगा, भरेगा। देखिएगा हमने क्या किया, हमने माना कि 1 घंटे में दोनों के द्वारा टंकी का भरा गया भाग, 1 घंटे में दोनों पंप उस टंकी का कितना भाग भरेंगे, तो 1/8 + 1/10 = इसको जब हमने एलसीएम लेकर सॉल्व किया तो आया 8 और 10 का कितना आया, 14। 14 में जब इसको कैलकुलेट किए तो 5 + 4 = 9/14, अर्थात
9/40 भाग ही 1 घंटे में यह दोनों क्या कर पाएंगे, भर पाएंगे। फिर कह रहा है कि इन दोनों को अर्थात पहले और दूसरे दोनों को 4 घंटे तक, कितने घंटे तक, 4 घंटे तक चलाना है। फिक्स टाइम दिया है कि भाई 4 घंटे तक ही चलाना है। तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में यह दोनों मिलकर 9/40 भाग ही भर पाएंगे। तो 4 घंटे जब चलाएंगे तो कितना भाग भर पाएंगे, तो 9/10। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है एक टंकी को पानी से भरने में, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप है। यदि पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे, दूसरा पंप उसी खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 1 घंटे में दोनों की सहायता से 9/40 भाग भरता है। 1 घंटे में दोनों पंप को अगर हम चालू करते हैं तो 9/40 भाग भरते हैं। तो 4 घंटे तक अगर हम चालू करेंगे तो कितना भाग भरेगा, तो 1 घंटे में 9/40, तो 4 घंटे में 4 × 9/40 कटाएंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा 9/10। क्लियर, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 3 टोटियां अर्थात 3 नल हैं, 3 अलग अलग टोटी हैं, ए व बी व सी, अर्थात 3 टोटियां ए बी व सी। एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा, 9 घंटा और 12 घंटा, मतलब एक टोटी ए है जो किसी टंकी को 6 घंटा में, एक टोटी बी है जो किसी टंकी को 9 घंटा में, दूसरी टोटी सी है जो किसी टंकी को 12 घंटा में भर सकती है। ठीक है, यदि बी तथा सी को आधे घंटे पहले खोल दिया जाए और ए को आधा घंटा बाद खोला जाए तो तीनों टोटियां शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। मतलब कह रहा है कि 3 टोटियां हैं, तीनों एक टंकी को अलग अलग टाइम में पूरा भरती है। ए उसे 6 घंटा में भरता है, बी उसे 9 घंटा में भरता है, सी उसे 12 घंटा में भरता है। फिर कह रहा है कि बी और सी को एक साथ खोल दिया जाए, उसके आधे घंटे बाद ए को खोला जाए। जब बी और सी आधा घंटा पहले ही खुल चुका है तो उसके बाद जब ए को खोला जाएगा तो बचे हुए टंकी को यानी शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी और सी के द्वारा भरे गए भाग की ज्ञान कर लेते हैं कि भाई बी और सी जब भरेगा तो कितना भरेगा, उसके बाद कितना बचेगा। बचे हुए भाग को ही तो ए बी सी और ए और बी और सी तीनों मिलकर भरेंगे। सबसे पहले बी व सी द्वारा, बी व सी द्वारा भरा गया भाग, भरा गया भाग, ठीक। तो बी कितना घंटा में, 6, सी कितना घंटा में, नहीं बी 9 घंटा और सी 12 घंटा ना, तो दोनों का 12 और 9 का लसा कितना आएगा, 12 × 3 = 36, 9 × 2 = 36, 9 × 4 = 3, 7/36। इनको कितना घंटा पहले खोला गया है, आधा घंटा पहले ना, यानी यह आधा घंटा में कितना भर पाएंगे। तो बात जब आधे घंटे की हो रही है तो यहाँ पर 1/2 से क्या होगा, गुणा होगा ना, इससे गुणा होगा 1/2 से, यानी 1/2 का क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, इसका गुणा हो जाएगा भाई 1/2 का। हम 1/2 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह काम जो है ना आधा घंटा पहले हो रहा है। ठीक है, कितना घंटा पहले हो रहा है, आधा घंटा, अर्थात जब कैलकुलेट करेंगे तो 7/ कितना आएगा, 36 × 72, यानी बी व सी द्वारा भरा गया भाग जो है कितना है भाई, 7/72। तो शेष भाग कैसे ज्ञात करेंगे, तो शेष भाग के लिए क्या करेंगे भाई, शेष भाग, शेष भाग बराबर माना पूरा 1 रहा होगा, 1 में से 7/72 को क्या कर दिया गया, भर दिया गया, तो बचा कितना, तो भाई 72 − 7/72। अब 1/1 − 7/72 करेंगे तो इतना ही आएगा ना, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 72 में से 7 गया तो 65/72, इतना भाग बचा है। अब इस भाग को कौन कौन भर रहे हैं, इस बचे हुए भाग को तीनों भरेंगे। यहाँ पर बी और सी द्वारा इतना भाग भरा गया था 7/72, बचा भाग कितना है 65/72। अब इस 65/72 को यानी 65/72
72 को कौन कौन भरेंगे? तो इस 65/72 को ए बी व सी तीनों भरेंगे। कौन कौन भरेंगे? ए भी भरेगा, बी भी भरेगा और सी भी भरेगा, यानी ए बी व सी के द्वारा भरा जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1/6, 1/9, 1/12। एलसीएम कितना आएगा भाई? वही 36, 6, 4, 3। कितना हो जाएगा? 13/36। अब यह तीनों मिलकर इतना भाग भरते हैं, तीनों मिलकर कितना भाग भरते हैं? 13/36। भरना कितना है? 65/72। इतना भरना है, यह तीनों लोग मिलकर इतना भरते हैं, इतना को इतना मतलब इतने सब इतना काम होता है या कुल काम इतना है? इतना काम 1 घंटे में या 1 दिन में होता है, और इतना काम करना है तो इतने काम में इतने काम से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। अर्थात अर्थात 65/72 पूरे के बटा 13/36, 65/72/36। अब हम जानते हैं कि बीच का गुणा बीच में होता है, नॉमिनेटर का गुणा डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का गुणा नॉमिनेटर में होता है ना, यानी 65/36 बटा में 72/13। 36 एकम 36, 36 दुना 72, 13 एकम 13, 13 पाँचे 65। आया कितना भाई? 5/2। कितना आया? 5/2। यानी तीनों मिलकर शेष भाग को भरने में कितना समय लगाएंगे? 5/2 घंटा। यानी इसे क्या लिख सकते हैं? 2 सही 1/2 घंटे, 2 सही 1/2 घंटे। ठीक है, चाहे 5/2 घंटा बोलो, चाहे 2 सही 1/2 बोलिए, बात एक ही है। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं कि सवाल क्या क्या रहा है। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं है, बस एकदम आसान सा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि तीन टोटियां अर्थात तीन अलग अलग नल हैं, तीन अलग अलग क्या है? नल हैं। अब तीनों क्या कर रहे हैं भाई? क्रमशः एक टंकी को 6 घंटा, 9 घंटा और 12 घंटा में भर सकते हैं। उनके पास क्षमता है कि वह एक टंकी को 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटा में क्या कर सके? भर सके। यदि बी तथा सी को आधा घंटा पहले ही खोल दिया जाए और आधा घंटा बाद ए को खोला जाए, मतलब ए बी सी किसी टंकी को 6, 9, 12 घंटा में भर सकते हैं, इतनी उनके पास क्षमता है। होता क्या है कि बी और सी को पहले ही खोल दिया जाता है आधा घंटा पहले, मतलब बी और सी स्टार्ट हो गए, उसके आधा घंटा बाद ए को प्रारंभ किया गया, ए को प्रारंभ किया गया। जब ए को स्टार्ट किया गया तो फिर कह रहे हैं यदि तीनों टोटियों को शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा? तो भाई जब ए और मतलब बी और सी जब पहले खुले थे तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ न कुछ भाग भरा होगा, भरा होगा। उसके बाद जब आधा घंटा बाद ए को खोला जाता है तो ए भी तो उसमें कुछ न कुछ पानी को शामिल करेगा। तो वही पूछ रहा है कि तीनों को जब एक साथ खोला जाएगा तो शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि बी और सी ने कितना भाग भरा है आधा घंटा में, कितना भाग भरा है। उसके लिए हम पहले बी और सी की एफिशिएंसी निकालेंगे, दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी 4:3, दोनों आधा घंटा में 7/36 भाग भर देंगे, उस टंकी का 7/36 भाग क्या कर देंगे? भर देंगे। अब 7/36 भाग उस टंकी का भर गया तो बचा कितना भाग? तो बचा यानी शेष भाग ज्ञात करने के लिए हम 1 में से 7/72 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। जब 1 में से 7/72 घटाएंगे तो हमें मिलेगा कि उस टंकी का 65/72 भाग अभी भरना है। 7/72 भाग में 7/72 भाग को बी और सी ने मिलकर भर दिया, बचा शेष भाग 65/72 को ही भरना है। अब 65/72 भाग को भरने के लिए ए भी है, बी भी है और सी भी है, तीनों मिलकर एक साथ 13/36 भाग 1 घंटे में भरते हैं। तीनों मिलकर एक साथ 13/36 भाग को 1 घंटे में भरते हैं और उन्हें 65/72 भाग को भरना है इतना 1 घंटे में भरते हैं, तो टोटल भरने में कितना समय लगेगा? तो 65/72 और पूरे के बटा 13/36 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा 5/2 आ जाएगा, यानी 2 सही 1/2 घंटे में
यह तीनों टंकी शेष भाग को क्या कर देंगे, भर देंगे। क्लियर। इस टंकी को इतना भाग भरने में आधा घंटा पहले ये जो काम किया है पी और सी ने, तो इतना भर दिया था, तो बचा कितना भाई? जब इतना भर दिया तो शेष कितना बचेगा? तो पहले हम बचे हुए भाग को, मतलब जितना भरा गया है उसको पूरे में से घटा लेंगे। तो हमने मान लिया कि पूरा भाग एक है, तो एक में से 7/72 घटा दिया, 13/65/72 बचा, 65/72 आ गया। अब इसी 65/72 को कौन कौन भर रहा है? ए भी भर रहा है, बी भी भर रहा है और सी, तीनों मिलके भर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन तीनों द्वारा शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा? यह तीनों मिलकर 1 घंटे में 13/36 भाग भरते हैं। 65/72 भाग इन्हें भरना है, 1 घंटा में इतना भरते हैं, इतना इन्हें भरना है, इतना भरने में इतने एफिशिएंसी से कितना समय लगेगा? तो इतने को इस एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, आंसर हमारा सामने आ जाएगा 5/2, यानी 2 से ही 1/2 घंटे में क्या कर देंगे, भर देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नल किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। टंकी में छेद होने के कारण 3 से 1/2 घंटे समय लगता है। इसी छेद के कारण पूरी भरी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? मतलब एक टंकी है जिसको एक नल 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन उस टंकी में एक छेद है जिस कारण उसे 3.5 घंटे का समय लगता है। करें कि उसी छेद के कारण अगर पूरी तरह से टंकी भरी हुई हो तो वह छेद उस टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? ठीक है, कहने का मतलब एक टंकी है जिसको एक नल 3 घंटे में भर सकता है, लेकिन उस टंकी में छेद है जिस कारण उसे 3.5 घंटा, मतलब आधा घंटा अधिक समय लगता है। फिर कह रहा है कि अगर एक तरह उसी टंकी को पूरी तरह पहले भर दिया जाए, फिर उस छेद को खोल दिया जाए, तो उस छेद की सहायता से वह टंकी पूरी तरह कितने समय में खाली हो जाएगी? इसको हम दो टाइप से कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, माना पहला तो ये सबसे सिंपल वाला है, जो 3.5 घंटा समय लग रहा है, तब टोटल कितना समय लग रहा है? इसको सीधा करेंगे, 3 × 6 = 7, अर्थात 7/2 घंटे लग रहा है। ठीक, कितना घंटे उसे अधिक लग रहा है? पहले कितना लगता था? 3 घंटा। तो कितना घंटा यहाँ पर इसे अधिक लग रहा है? पहले इसे 3 घंटा लगता था। तो अगर दोनों को एक साथ खोला जाए, दोनों को एक साथ खोला जाए, माइनस होगा ना भाई? पहले इतना समय लगता था, अब ज़्यादा लग रहा है, तो 1/7/2, यानी सीधा करेंगे तो 1/3 − 2/7। कैलकुलेट करेंगे, 21/7/3 = 6, 1/21, अर्थात आंसर कितना आएगा? 21। 21 घंटे में जो है वह छेद से क्या कर देगा, खाली कर देगा। कितने घंटे में? 21 घंटे में। ठीक है, या दूसरे टाइप से चाहे तो हम देख सकते हैं, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। यहाँ पर इसे इतना घंटा अधिक समय लग रहा है, पहले इतना घंटा लगता था, पहले इतना घंटा लगता था, अब इतना अधिक लग रहा है। पहले वाले समय में से इसको घटा लेंगे, कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। या माना 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 छिद्र या माना छेद के कारण, माना छेद के कारण उस टंकी में, माना छेद के कारण पूर्ण भरी टंकी को एक्स घंटे में खाली किया जाए। माना छेद के कारण टंकी को एक्स घंटे में खाली किया जाता है। ठीक है, यानी छेद जो है उस टंकी को एक्स घंटे में खाली करता है, तब तब भाई तो उसको भरने में कितना समय लगता था? अगर उसमें छेद ना होता तो 3 घंटा लगता, और छेद उसे कितना घंटा में खाली कर रहा है? एक्स घंटा में। समय अतिरिक्त कितना समय लग रहा है? 2/7 घंटा अतिरिक्त लग रहा है, मतलब छेद के कारण उस टंकी को भरने में इतना समय लग रहा है। अगर छेद ना होता है तो उसे 3 घंटा लगता, छेद उसे इतना घंटा में खाली कर देता है। अगर इन दोनों को हम कैलकुलेट करें तो भी यहाँ से हमारा आंसर आना चाहिए, यानी 1/7 sorry 1/3 − 2/7 = 1/x। कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से भी 21/7 − 6 = 1/x, अर्थात
वन अपॉन 20x इक्वल टू वन अपॉन एक्स, यानी कि एक्स बराबर 21 घंटा। ठीक है, यानी यहाँ से भी वही आंसर आया जो कि यहाँ से आया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो नल है अगर उस टंकी में छेद ना होता तो उसे 3 घंटा में भरती, छेद होने के कारण 3.5 घंटा में भर रही है। तो कह रहा है कि एक भरी हुई टंकी को वह छेद कितने समय में खाली करेगा, तो 21 घंटा में। कैसे हमने यहाँ पर किया भाई, पहले उसे 3 घंटा लगता था, छेद होने के कारण उसे 3.5 घंटा लगता है। तो दोनों को जब हमने एक साथ कैलकुलेट किया कि इतना समय में वह भर सकती है और इतना समय में वह भर रही है, अगर दोनों को हम एक साथ रखें तो वह कितना समय में खाली हो पाएगी, तो मतलब इतना समय में भर रही है, इतना समय में वह छेद के साथ भर रही है, तो यह समय को इसमें से हम घटा देंगे, इस समय को इसमें से घटा देंगे, तो जो बचेगा उतना समय में वह क्या कर देंगे, खाली कर देगी। या माना छेद के कारण उस टंकी को वह छेद जो है एक्स घंटे में खाली कर पा रहा है, छेद जो है एक्स घंटे में क्या कर रहा है, खाली, नल उसे 3 घंटा में भर रहा है या एक्स घंटे में खाली कर रहा है। इस बीच अगर दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए, मतलब पानी भी निकल रहा है, पानी भर भी रहा है, तो भरने में 3 घंटा, खाली होने में एक्स घंटा, टोटल कितना समय लग रहा है, 3.5 घंटा, 3.5 घंटा। तो हमने कैलकुलेट किया, एक्स का मान आ गया 21 और वही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको जरूर समझ में आई होगी। मिलेंगे अगले क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।